नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एल्जेसिक 1000 टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एल्जेसिक 1000 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एल्जेसिक टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एल्जेसिक टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एल्जेसिक एक ब्रांड नेम है। एल्जेसिक टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन पैरासिटामोल 1000 mg होता है। एल्जेसिक टैबलेट का उपयोग दर्द और बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। एल्जेसिक टैबलेट का उपयोग बुखार होने पर, शरीर की मांसपेशियों में दर्द होने पर, सिर दर्द होने पर, दांतों में दर्द होने पर, कमर के दर्द, कान के दर्द और गले के दर्द आदि कंडीशंस में एल्जेसिक टैबलेट का उपयोग किया जाता है। महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान भी दर्द से राहत पाने के लिए एल्जेसिक टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सर्दी जुकाम के लक्षणों से राहत पाने के लिए भी एल्जेसिक टैबलेट का उपयोग किया जाता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एल्जेसिक टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। एल्जेसिक टैबलेट दर्द और बुखार की एक सुरक्षित दवा है और ज्यादातर व्यक्तियों में एल्जेसिक टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन ज्यादा डोज में एल्जेसिक टैबलेट को लेने की वजह से लिवर डैमेज हो सकता है, इसलिए आपको एल्जेसिक टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। एलर्जिक रिएक्शन किसी को भी और किसी भी दवा से हो सकता है। यदि आपको एल्जेसिक टैबलेट को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, मुंह, गले, होठों या त्वचा पर सूजन, त्वचा पर खुजली, त्वचा पर रैशेस या एल्जेसिक टैबलेट को लेने के बाद एकदम से बुखार होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण एलर्जिक रिएक्शन के हो सकते हैं और एलर्जिक रिएक्शन होने पर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एल्जेसिक टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। एल्जेसिक टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। एल्जेसिक टैबलेट एक सस्टेन रिलीज टैबलेट है जो शरीर में धीरे धीरे रिलीज होती है, और सस्टेन रिलीज दवाओं का असर 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक रहता है, इसलिए आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर एल्जेसिक टैबलेट को दिन में 1 से लेकर 2 बार लेने की सलाह देते हैं। कुछ व्यक्तियों को डॉक्टर केवल दर्द या बुखार होने पर ही एल्जेसिक टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। एल्जेसिक टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको एल्जेसिक टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि एल्जेसिक टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को किडनी या लिवर की कोई बीमारी है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि लिवर और किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में एल्जेसिक टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है। डॉक्टर की सलाह के बिना लगातार 3 दिन से अधिक एल्जेसिक टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना एल्जेसिक टैबलेट को लगातार 3 दिन से अधिक नहीं लेना चाहिए। एल्जेसिक टैबलेट के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एल्जेसिक टैबलेट के साथ शराब का सेवन करने की वजह से लिवर डैमेज होने का जोखिम अधिक हो जाता है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एल्जेसिक टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ज्यादा हाई डोज में एल्जेसिक टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। वैसे एल्जेसिक टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है, और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी एल्जेसिक टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है, इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कम समय के लिए और कम डोज में एल्जेसिक टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका एल्जेसिक टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।